माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल, जिसमें मैंने माश की दाल ले ली है जो कि भिगो दी थी, और उसके साथ मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया था। यहाँ पर मैं फ्राई पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने, और टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जात, जिसमें मैंने शामिल किया है सॉल्ट हसबी साइका, फिर इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून इसमें हमने डाल दी हल्दी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और 5 से 6 दाने इसमें जाएंगे काली मिर्च के। अब जो है मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद इसको जो है कवर लगा के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से मसाला इसका भून जाए। यहाँ पर हमारा मसाला जो है प्रिपेयर हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है कसूरी मेथी। ये मसाला जो है मैं 1 पाव दाल के लिए रेडी कर रही हूँ। अब इसको कसूरी मेथी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक हमने भूनना है। अब यहाँ पर हमने जो है पहले से दाल को 80% गला के रख लिया था, उसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे, और अब इसको पकाना है हमने 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो ये 20% है वो भी अच्छे से गल जाए। अच्छा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाना है कि दाल टूटना शुरू हो जाए, वो फिर अच्छा नहीं लगती। तो बस हमने इसको इतना पकाना है कि दाल ना टूटे। इसमें फिर हमने 1/2 कप जो है पानी ऐड कर दिया है, और इसको अब हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, और ऊपर से मैंने इसके गरम मसाला छिड़क दिया है। बिल्कुल रेडी है हमारी दाल। अब इसको झटपट से हम जो है डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल हमारी दाल बनी थी, और आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।